वेलकम टू स्टडी अकेडमिक स्टूडेंट्स, एमएस डॉस इस इजी जो हमारी सीरीज है स्टूडेंट्स, आज इसकी क्लास नंबर सेकंड है। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको एक गुड न्यूज़ देंगे, और वो गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स की आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से, तो स्टूडेंट्स आप प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग आपको स्कूल में मैंडेटरी है, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। और सभी स्ट्रीम्स के लिए आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, BCA, B.tech, BSc कर रहे हैं, C++, जावा और डाटा स्ट्रक्चर और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जितने भी यूनिट्स में आपकी यूनिट्स हैं और जो जो आपके सिलेबस में है, आप सभी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। हम आपको सारी चीज़ें बढ़ाएंगे यूनिट 1 से 4 तक सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और लिंक्स जो हैं स्टूडेंट आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और आज हम आपको बनाने सिखाएंगे स्टूडेंट एमएस डॉस की जो कमांड्स हैं उनके थ्रू एक ट्री। और ये ट्री सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, हम बनाएंगे इसे सी ड्राइव में। फर्स्ट होगा स्टूडेंट्स ए जो है स्टूडेंट्स एक फोल्डर, फोल्डर को एमएस डॉस के अंदर बोलते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट्री। तो ए हमारी रूट यानी सी ड्राइव में एक डायरेक्ट्री होगी जो रूट होगा इस ट्री का। और इसके अंदर इसके 3 सब डायरेक्ट्रीज होंगी जो बी सी और डी। और बी जो होगा स्टूडेंट फिर वो रूट होगा ई और एफ डायरेक्ट्री के लिए, यानी ये सब डायरेक्ट्रीज होंगी बी ई और एफ। बी इसका रूट होगा और F1 F2 जो आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं ये हमारी फाइल्स होंगी। B1 में एक फाइल होगी, E में भी ई फोल्डर यानी कि डायरेक्ट्री में एक फाइल होगी F2 नाम से। F में कोई फाइल नहीं है। उसके बाद ऐसे ही फिर जो हमारा मेन रूट है A, इसके अंदर जो इसकी सब डायरेक्ट्री है C, इसके अंदर 2 और सब डायरेक्ट्रीज होंगी जी और एच। एच के अंदर एक फाइल होगी F3 नाम से। और इसके बाद फिर डी फोल्डर यानी डी डायरेक्ट्री के अंदर 2 और डायरेक्ट्रीज होंगी आई और जे, और जे के अंदर एक फाइल होगी। और स्टूडेंट इस कंप्लीट ट्री को हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है। स्टार्ट में जाने CMD लिखना है, और उसके बाद अब आपको स्टूडेंट सबसे पहला काम यही करना है कि आपको जाना है सी ड्राइव में। और सी ड्राइव में जाने के लिए स्टूडेंट जो कमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। आप के पास अगर लैपटॉप डेस्कटॉप जिस पे भी आप काम करते हैं तो उस पे आप लिखें CD:// इससे एक स्टेप हम पीछे चले आते हैं। और फिर से CD:// लिखेंगे तो फिर से आप एक स्टेप पीछे चलेंगे, और तब तक आप करें जब तक कि आपको सी ड्राइव पर ना आ जाए इस तरह से। और क्योंकि हमारा जो ये ट्री बनेगा वो सी ड्राइव पे हम बना रहे हैं, आप डी पे भी बना सकते हैं, ई पे भी, जो भी आप बनाना चाहें। उसके बाद यहाँ से आप CLS कमांड यूज़ करें जिससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट, सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्ट्री बनानी है ए नाम से। डायरेक्ट्री बनाने के लिए स्टूडेंट जो कमांड है वो है MD। MD का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट मेक डायरेक्ट्री। MD लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर डायरेक्ट्री का नाम देना है, तो इससे एक डायरेक्ट्री बन जाएगी। तो स्टूडेंट अब हमने ए डायरेक्ट्री बना ली। ए के अंदर अब आप देखेंगे कि बी सी और डी 3 डायरेक्ट्रीज हैं। तो हमें अब पहले ए के ये अंदर है तो हमें पहले ए में जाना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर 3 डायरेक्ट्रीज को हम क्रिएट करेंगे। तो डायरेक्ट्री को हमें जाने के लिए चेंज करने के लिए कमांड होती है स्टूडेंट CD चेंज डायरेक्ट्री। किस में बनानी है हमें, ए में, तो हम ए में जाएंगे। तो अब आप देखेंगे सी के बाद यानी सी ड्राइव के बाद जो प्रॉम्प्ट है हमारा इसमें ए आ गया, इसका मतलब है कि अब हम ए पे काम कर रहे हैं। और अब इसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले हम बनाएंगे बी सी और डी। तो डायरेक्ट्री को बनाने के लिए सेम कमांड मेक डायरेक्ट्री MD B, तो ये बी बन गई। यहाँ से अब हमने इसे बी को क्रिएट कर लिया। अब हम बनाएंगे सी MD C, अब सी भी बन गई। अब इसके बाद बनाएंगे डी और MD D। तो अब हमने स्टूडेंट्स बी सी और डी बना दी। अब हम जाएंगे स्टूडेंट बी के अंदर, और बी के अंदर बनाएंगे ई और एफ, और बी के अंदर एक फाइल भी बनानी है स्टूडेंट्स। तो पहले बी में कैसे जाएंगे, सी डी से हमें किस में जाना है, बी में। तो हम आ गए बी में। आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट पर आ रहे हैं अब सी, हमारा जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर सबसे पहले ए बनाई, ए के अंदर यहाँ से फिर हमने बी बनाई। तो इस टाइम हम बी में काम कर रहे हैं, और बी के अंदर अब हम बनाएंगे स्टूडेंट ई और एफ, और बी में एक फाइल भी। तो पहले डायरेक्ट्रीज का काम कर लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं MD से मेक डायरेक्ट्री ई, और फिर MD से एफ। तो ई
और एफ स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टरी हमने बना ली। अब हमें बनाने हैं स्टूडेंट्स एक फाइल और बी के अंदर बनाने हैं। अभी हम वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, कर्सर आप देखेंगे कि बी पे ही है, यानी बी प्रॉम्प्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो बी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। तो अब हमें फाइल बनाने के लिए कमांड है स्टूडेंट्स कॉपी कॉन और फाइल का नाम एफ वन। और अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे दिस इज माई फाइल, और फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल और जेड को आप प्रेस करें तो जिससे फाइल सेव हो जाएगी। तो एक फाइल अब हमने बी फोल्डर के अंदर यानी बी डायरेक्टरी के अंदर ये बना ली। अब हमें जाना है स्टूडेंट्स ई में, तो ई कहाँ है, बी में। तो हम पहले ई में जाएंगे, सी डी ई, क्योंकि हम बी में ही काम कर रहे हैं तो बी के अंदर ही दो हमने बनाई है। अब इसके अंदर हमें एक और फाइल बनानी है एफ टू नाम से। तो फाइल बनाने के लिए कमांड है स्टूडेंट कॉपी, फिर स्पेस देना है, फिर कॉन, फिर स्पेस देना है, फिर फाइल का नाम एफ टू। और इसमें भी आप कुछ कंटेंट आप टाइप कर सकते हैं, दिस इज माय सेकंड फाइल, और उसके बाद आप इसे कंट्रोल जेड से सेव कर दें। और अब स्टूडेंट्स अब हमने कितना कंप्लीट कर लिया, ए बना लिया, ए के अंदर बी भी बना लिया, ए बनाया, ए के अंदर बी बनाया, बी के अंदर ई बनाया, ई के अंदर एफ टू भी फाइल बना ली, और बी वन के अंदर भी हमने एफ वन फाइल क्रिएट कर ली। और अब स्टूडेंट्स इतना जो लेफ्ट साइड का जो हमारा ट्री है ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ आएंगे सी पे। अब सी पे स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे, अब सी कहाँ है, सी तो है स्टूडेंट ए के अंदर, तो हमें एक स्टेप, और अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स ई में, तो हमें जाना है सी में। तो सी में कैसे जाएंगे स्टूडेंट, सी में जाने के लिए हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो सी में जाने के लिए अभी हम ई में, तो ई से जाएंगे बी पे और फिर बी से चले जाएंगे ए पे। तो सी डी डॉट डॉट कमांड है जो एक स्टेप पीछे ले जाती है। तो अब हम आगे बी पर, अब बी से चले जाएंगे एक स्टेप और पीछे, तो अब हम आगे हैं ए पे। तो इस टाइम अब कर्सर स्टूडेंट आप देखेंगे ए पर है, यानी कि ए डायरेक्टरी पे हम काम कर रहे हैं। अब हमें जाना है सी पर, तो सी डी सी, और सी तो हमने बना ली थी पहली, तो अब हमने सी पे हम आ गए। यहाँ पर सी के अंदर दो और डायरेक्टरीज को बनाने हैं, तो वो हैं जी और एच, तो एम डी जी, एम डी के बाद एच, और ये दो डायरेक्टरीज हमने स्टूडेंट जी भी बना ली और एच भी बना ली। एच के अंदर हमें एक फाइल बनानी है एफ थ्री, तो एच में जाएंगे सी डी से चेंज डायरेक्टरी एच। एच में फाइल बनाने के लिए कमांड कॉपी कॉन और फाइल का नाम एफ थ्री, तो दिस इज माई थर्ड फाइल, जो भी आप लिखना चाहें, और सेव करने के लिए कंट्रोल जेड। और स्टूडेंट्स ये भी हमारा यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया, सी भी बन गया, जी भी बन गया, जी में कोई फाइल नहीं थी इसलिए नहीं बनाई, एच बना ली, एच में फाइल थी तो हमने क्रिएट कर ली। अब हमें जाना है राइट, ये तो मिडल पार्ट भी हो गया, अब हमें राइट साइड पर जाना है, जो डी आई और जे, और जे के अंदर एक फाइल। और जैसे अब हम यहाँ से ई से बी पे गए थे और बी से ए पे गए थे, क्योंकि ए के अंदर ही डी ए, तो फिर से हमें वापस जाना है सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, दो स्टेप पीछे, दो स्टेप पीछे। कैसे, पहले हम थे एच में, एच से गए, एच से गए सी में, सी से गए ए में, तो दो स्टेप पीछे चले गए। अब इस टाइम है हम अब ए में, और अब हमें बनाने, ऑलरेडी हमने डी बना रखी है, तो अब हमें जाना है डी में, तो सी डी डी, तो डी में आ गए। डी के अंदर अब हमें दो डायरेक्टरीज और बनानी है आई और जे, पहले हम बनाएंगे आई और फिर बनाएंगे जे, एम डी मीन्स मेक डायरेक्टरी आई और फिर मेक डायरेक्टरी जे, और जे के अंदर अब हमें फाइल बनानी है एफ फोर नाम की, तो सी डी जे और फिर कॉपी कॉन एफ फोर, और यहाँ पे मैस जो भी कंटेंट आप देना चाहते हैं फाइल के अंदर वो टाइप करें, एंड दिस इज माई फोर्थ फाइल, और उसके बाद कंट्रोल जेड से इसे सेव कर दें। तो अभी हम काम करें जे पे, अब हमें वापस आना है स्टूडेंट, तो सी डी डॉट डॉट, तो डी पर आ गए, डी से वापस आने सी डी डॉट डॉट, अब हम आ गए ए पर, और ए पे स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से डॉट डॉट, और अब यहाँ पे कमांड लिखेंगे ट्री, तो जिससे स्टूडेंट्स अब आपको ये ट्री विजिबल हो जाएगा। अभी तो इसमें बहुत सारे हैं, तो अभी जो हमने ट्री बनाया है स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, इस ए के अंदर जाके हम देखेंगे, इसके अंदर यहाँ लिखेंगे ट्री, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ए के अंदर हमने जो ट्री बनाया, जो हमारा क्वेश्चन है, ए के अंदर हमने बी बनाई, सी बनाई, डी बनाई, तो इस तरह से ये शो कर रहे हैं बी सी डी,
और इसके अंदर बी के अंदर दो और बनाई ई और एफ, बी के अंदर ई ए एफ ए, और उसके बाद सी बनाई, सी के अंदर जी और एच, सी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर सी और सी के अंदर जी और एच, फिर डी बनाई, डी के अंदर आई और जे, और अगर आप ट्री के साथ स्लैश एफ लिखेंगे तो आपको इसमें फाइल्स भी शो करेगा जो जो हमने ये फाइल्स बनाई है। तो ए के अंदर बी बनाई, बी के अंदर एक फाइल भी बनाई यहाँ पर एफ वन नाम की, और उसके अंदर फिर ई बनाई, ई के अंदर एफ टू नाम की फाइल बनाई, एफ में कोई फाइल नहीं है तो यहाँ पर कोई फाइल नहीं आ रहा। सी बनाई डायरेक्टरी, सी के अंदर जी और एच बनाई, एच के अंदर एफ थ्री बनाई, और फिर डी बनाई, डी के अंदर आई और जे, और जे के अंदर एफ फोर फाइल बनाई। तो स्टूडेंट इस तरह से ये ट्री क्रिएट कर सकते हैं आप, और आई होप आपको स्टूडेंट्स ये ट्री समझ आ गया। आप भी इसे ट्राई करें, और ऐसे जो भी ट्री आपको बनाने के लिए आता है तो स्टूडेंट्स आप उसे जैसे अब हमने आपको सिखाया वैसे ही बनाएं, और पेपर में भी आप इस तरह से कमांड्स को लिख लें और फिर ट्राई करें। और समझ आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोज़ को, कुछ नहीं समझ आया कमेंट करके पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें स्टूडेंट प्रोग्रामिंग के लिए, सी सी प्लस प्लस जावा डाटा स्ट्रक्चर जे एस पी पी एच पी और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और पाइथन भी हमारे साथ सीखें जो वर्ल्ड नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है स्टूडेंट। AI का ही फ्यूचर है, सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ शेयर करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।